नमस्कार, आप देख रहे हैं वो सब पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोडम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। कष्ट निवारण कमेटी की बैठक में मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सुनी समस्याएं। 18 मामलों में से 10 का मौके पर ही किया समाधान, 8 मामलों को अगली बैठक के लिए रखा लंबित। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में टीडीआई अंसल और एलडीगो के गुंजे मामले। बैठक में टीडीआई प्रबंधन को दो टूक, काम करो नहीं तो कंपनी होगी ब्लैकलिस्ट। एनएफएल नाका के पास नहर किनारे बाइक सवार 25 साल के युवक को तेज रफ्तार कैंटर ने मारी जोरदार टक्कर, युवक की हुई हादसे में मौत, 8 मरला चौकी पुलिस को दी गई शिकायत। जिला पुलिस द्वारा अवैध शराब व मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगा, आरोपियों की धरपकड़ के लिए चलाया हुआ है विशेष अभियान। अभियान के तहत थाना औद्योगिक सेक्टर 29 पुलिस टीम ने चुटाला रोड पर दुकान में अवैध रूप से शराब बेच रहे युवक को किया गिरफ्तार। झपटमारी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के एक नाबालिग सहित 4 आरोपियों को सीएवन ने किया गिरफ्तार। 6,000 रुपए व वारदात में प्रयुक्त 2 बाइक बरामद। काबड़ी रोड पर बाइक सवार युवक से छीने थे 35,000 रुपए। पानीपत सीएवन पुलिस टीम ने नशा तस्करी के मामले में सजायाफ्ता फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में हासिल की कामयाबी। आरोपी मामले में था 15 साल से फरार। अनट्रीट केमिकल युक्त पानी जमीन में छोड़ने वाले औद्योगिक संस्थानों के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई, चलाया जाएगा विशेष अभियान। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने नुरवाला व बबैल, सोंधापुर, सीवा, ग्वालड़ा और पसीना खुर्द गांव के राज्य के स्कूल में विभिन्न कमरों, पुस्तकालय, मुख्य द्वार, विज्ञान प्रयोगशाला और स्कूल की 4 दीवारी के साथ साथ शौचालयों के विकास कार्यों का किया शिलान्यास। शहर की औद्योगिक नगरी अब जल्द ही फैंसी लाइट से होगी जगमग। अग्रसेन चौक से बबैल नाका और मॉडल टाउन के रिंग रोड पर लगेंगी फैंसी लाइटें। पानीपत शहर में बढ़ती चोरी की घटनाएं, 2 जगहों पर चोरों ने कर ली चोरी, पुलिस ने किया मामला दर्ज। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहो पानीपत के साथ। नमस्कार।